नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचांग का ही पूरा भाग जो है उसको देखने पर कहाँ पर क्या रहता है, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसका पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक, उससे पहले आप सभी से बहुत बहुत निवेदन और साथ में स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल गोपाल पंडित जी पर। निवेदन ये है कि आप यदि गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ये सारा जानकारी लेने की आवश्यकता हो, जानकारी लेने की इच्छा रखते हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने जो पंचांग रखा हूँ, आपके सामने जो फोटो दिख रही है, इसका नाम है श्री ऋषिकेश पंचांग। क्या? श्री ऋषिकेश पंचांग, वाराणसी अर्थात बनारस के अक्षांश, रेखांश और सूर्योदय से ये प्रकाशित होता है, ऐसा मुझे जानकारी है। तो ऋषिकेश पंचांग देखने का आज बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको मिला है। पंचांग के अंदर की पूरी टोटल एक पेज में जितनी जानकारी दी रहती है, अधिकतर जानकारी बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी से बहुत बहुत निवेदन एक बार और करूँगा कि आप जब भी ऋषिकेश पंचांग लेने जाएँ तो वहाँ पर हस्ताक्षर देखें ना, ये शिवमूर्ति उपाध्याय जी लिखा हो, हस्ताक्षर में आप शिवमूर्ति उपाध्याय देख करके ही पंचांग लें। दुकान वाले से जब आप पंचांग मांगिए, ऋषिकेश पंचांग दे दीजिए, साथ में बोलिए कि आप हमको शिवमूर्ति उपाध्याय जी का पंचांग दे दीजिएगा, अन्यथा आपको विशाल उपाध्याय जी का पंचांग दे देगा, जिसमें कि आपको कई जगह गलतियां मिलेंगी, कई त्योहारों में गलतियां मिलेंगी। ठीक, दोषी आप ठहरेंगे ना कि विशाल उपाध्याय, इसलिए आप प्रयास करिए कि आपको शिवमूर्ति उपाध्याय जी का पंचांग मिले। ठीक, मैं उसी पंचांग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये हो गया पंचांग का पृष्ठ भाग, पहला भाग, पहला पृष्ठ। ठीक है, जिसमें अभी संवत 2080 चल रहा है, शक संवत 1945, नल नाम संवत्सर चल रहा है। कुछ पंचांगों में पिंगल नाम संवत्सर दिया है, परंतु इसमें नल नाम संवत्सर दिया है, इसी के अनुसार हम कार्य को करते हैं। तो अभी मैंने जो आपके सामने रखा है, ये रखा है माघ शुक्ल पक्ष, यहाँ आप देख सकते हैं माघ शुक्ल पक्ष। ये देखिए, आपको जानकारी मैं माघ शुक्ल पक्ष के उसमें से दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन सा पक्ष है, कौन सा महीना है। तो यहाँ देखते हैं माघ शुक्ल पक्ष ये चल रहा है, उसके आगे देखते हैं कितने तारीख से कितने तारीख तक ये पक्ष चलेगा। ठीक, तो जैसा कि 2023 चल रहा है और जनवरी में 2024 शुरू हो जाएगा, ये पक्ष 2024 में रहेगा, यानी कि माघ शुक्ल पक्ष हमारा जो है वो 2024 में रहेगा। ठीक, कितने तारीख से? तो 2024 की फरवरी में, 10 फरवरी से 24 फरवरी तक आपका माघ शुक्ल पक्ष चलेगा। ठीक है, माघ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होगी वो कितने तारीख को होगी? 24 फरवरी को। आप सभी ध्यान से सुने। ठीक, तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, कौन सा महीना चल रहा है? तो माघ महीना चल रहा है। कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, आगे कितने तारीख से कितने तारीख तक है? तो भैया ये है 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे हम देखते हैं कौन सी ऋतु चल रही है, और उससे पहले भी आप देख सकते हैं संवत्सर, जैसा कि आपको बता चुका हूँ 2080 संवत्सर है, 1945 शक संवत्सर है। ठीक, आयन की बात करें, कौन सा आयन चल रहा है? सौम्य आयन, सौम्य मतलब उत्तरायण। ठीक, उत्तरायण चल रहा है। इसके आगे ऋतु कौन सी चल रही है? तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं शिशिर ऋतु। कौन सी? शिशिर ऋतु। टोटल 6 ऋतु होती हैं, एक दो माह में एक ऋतु परिवर्तन हो जाती है। ठीक, ये कौन सी ऋतु चल रही है? शिशिर ऋतु। आगे हम बात करें, उससे पहले आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि यदि आपको पंचांग देखना नहीं आता है तो आप YouTube पर बोल कर सर्च करें पंचांग कैसे देखें गोपाल पंडित जी, आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उस वीडियो में बताई गई चीज़ों को फॉलो करिए। उसमें जो बताया गया है कि आप तिथि याद कर लीजिए, नक्षत्र याद कर लीजिए, योग याद कर लीजिए, दिन याद कर लीजिए, राशि याद कर लीजिए, ग्रहों का नाम याद कर लीजिए, इतना चीज़ यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको पंचांग देखना और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ आपको देखना आ जाएगा। ठीक, आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप पहले तिथि, यहाँ पर भी आपको बताते चल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम यहाँ पर दिया दिनमान, दिनमान और रात्रिमान दो चीज़ होता है, 60 घटी का हमारा 24 घंटा होता है। ठीक, तो 60 घटी में कितना देर तक दिन है, कितना देर तक रात्र, ये देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं ये चतुर्थी की, चतुर्थी मंगलवार की। ठीक,
तो चतुर्थी मंगलवार को दिनमान है 27:45। अब 27:45 को जब हम 60 से माइनस कर देंगे तो हमारा रात्रि मान निकल आएगा। ठीक, ये दिन का मान है, दिन इतने घटी इतने पल तक है, और इसी को जब हम आधा कर 60 से घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा रात्रि मान। जैसे हम मान लीजिए घटा करके देखते हैं तो 10 में से 5 घट गया, 5 बचा, यहाँ 5 एक बचा, और यहाँ 9 दो बचा, और यहाँ 5 3 घट गए, ये 32:15 हमारी रात्रि मान है। ठीक, 32 घटी 15 पली हमारा रात्रि मान। तो सबसे पहले हम क्या देखिए, दिन मान हो गया, फिर यहाँ दिया रहता है तिथि, क्या तिथि, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हमारी तिथियाँ हैं। ठीक, पंचांग यदि आप खोल करके अपने पास बैठे हैं, पंचांग में देख रहे हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर पंचांग आप पास में नहीं लिए हैं तो वीडियो रोक करके पहले पंचांग साथ में रख लीजिए, ठीक, समझने में आपको बड़ा आसानी हो जाएगा। ये हो गई तिथि, ये क्या हो गया तिथि, तिथियों के नाम यदि आपको ना याद हो तो सबसे पहले आप जाइए तिथियों के नाम याद करिए, क्या हो गया तिथि। आगे बढ़ें, तिथि के बाद यहाँ पर दिया रहता है वार अर्थात दिन, क्या दिवस, शनिवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ठीक, ये क्या हो गया तिथि, तिथि के बाद दिन, दिन के बाद हाँ यहाँ पर देखिए ये दिन का जो है ये तिथि का घटीपल दिया है, तिथि का क्या दिया, घटीपल, घटीपल मतलब एक प्रकार का समय, घटीपल को घंटा मिनट में कैसे बदले, गोपाल पंडित जी ऐसा बोल देंगे, यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा, आप घटीपल को घंटा मिनट में बदल सकते हैं। ठीक, जैसे आप बात करें चतुर्थी की, हम बात कर रहे थे चतुर्थी कितने घटी कितने पल तक है, तो 33:25 तक, 33:25 का यहाँ टाइम दिया है 7:48 में। 33:25 को भी आप उसी प्रकार से गुणा भाग करके निकालेंगे तो 7:48 ही निकलेगा। ठीक, ये हो गई आपकी तिथि हो गई, दिन हो गया, दिन के बाद यहाँ पर घटी हो गई और दिन तिथि का समय हो गया। ठीक, आगे बढ़ें, हम तिथि वार दो चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पहुँच रहे हैं नक्षत्र के तरफ। तो चतुर्थी को कौन सी नक्षत्र थी, उभा जो लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरा भाद्रपद। ठीक, उत्तरा भाद्रपद जिसकी घटी है 27:34, इसको यदि हम गुणा भाग करके निकालेंगे तो शाम को ये 5:28 तक अपनी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिलेगी। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप याद करते जाइए, तिथि का नाम याद कर लीजिए, 16 तिथि होती हैं टोटल। ठीक, नक्षत्रों का नाम याद कर लीजिए, 27 नक्षत्र होती हैं अभिजीत को लेकर के 28। ठीक, तिथि वार नक्षत्र हो गए, अब हम पहुँचते हैं योग के पास, 28 योग होते हैं। ठीक, क्षमा चाहता हूँ, 27 योग होते हैं, 27 योग होते हैं, योगों को नाम दिया यहाँ पर, उस किस दिन कौन सा योग है। ठीक, जैसे यहाँ पर चतुर्थी के दिन बात करें सिद्ध योग है, कौन सा सिद्ध योग, और सिद्ध योग यहाँ पर समाप्त हो जाता है, फिर एक दूसरा योग आता है, फिर शुभ योग, फिर शुक्ल योग, ब्रह्म, ऐन्द्र, ऐसे करके सिद्ध के बाद यहाँ साध्य एक और योग होता है, सिद्ध के बाद साध्य, साध्य योग जो है, जैसे यहाँ पर देखिए 1:35 फिर 52:24 दिया है, तो सिद्ध योग जो है प्रातः सुबह सुबह समाप्त हो जाता है कितने बजे, 7:04 पर, उसके बाद साध्य योग समाप्त हो जाता है शाम को 4:02, फिर शुभ योग शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया, तिथि वार नक्षत्र योग, अब हम बढ़ते हैं करण की तरफ। ठीक, करण की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखिए, हम ये देखिए एक दिन में दो करण होते हैं, एक दिन में कितने करण होते हैं, दो, बव बालव दो करण हैं, तो बव जो है 0:45 तक है, और बालव जो है उसमें बालव कौलव दो हो जाते हैं, एक दिन में दो करण होता है, बस इसको साधारण सा आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा एक योग होता है जिसके विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, ये भी एक प्रकार का योग होता है जिसके विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, बस ये जानता हूँ कि ये भी एक प्रकार के योग होते हैं और नाम के अनुसार ये अच्छे खराब माने जाते हैं। ठीक, जैसे राक्षस है, मुसल है, सिद्ध है, उत्पात है, मानस है, मुद्गर है, ध्वज है, धाता, आनंद है, तो ये नाम के अनुसार काफ़ी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए अंक लिखा है, ये अंक, अंक का क्या मतलब हुआ, अंक का मतलब होगा तारीख, जैसे ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 10 फरवरी से शुरू हो रहा है 24 फरवरी तक, तो ये देखिए 10 फरवरी 2024, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13, 14, 15, 16 फरवरी 2024, ये क्या हो गया दिनांक हो गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो ये भी एक प्रकार की तारीख होती है, ये यहाँ पर जो 3 दिया है
ये भी एक प्रकार की तारीख होती है, लेकिन किसी अन्य दूसरी तारीख होती है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए 14 तारीख की, ये 14 तारीख, तो 14 तारीख के आगे मेष जो लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये चंद्रमा की राशि देखने का तरीका है कि चंद्रमा किस राशि में कितने बजे प्रवेश किया है, कैसे जाने। तो यहाँ देखिए आप लिखा है ना, चंद्रमा राशि प्रवेश, चंद्रमा मान लीजिए कुंभ राशि में चल रहा है, कुंभ से जब निवृत्त होगा, कुंभ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ कुंभ में ही रहेगा, ठीक, फिर मीन राशि में प्रवेश कर देगा, यहाँ मीन में रहेगा, फिर मेष में प्रवेश किया, मेष में रहेगा, फिर वृष में, फिर वृष में यहाँ रहेगा, मिथुन में। कहने का मतलब ये है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है, इस दिन चंद्रमा इस राशि में प्रवेश करेगा और इस दिन इसी राशि में रहे, जो खाली जगह छूटा है, ठीक। हम 14 तारीख की बात कर रहे हैं, 14 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा कितने बजे प्रवेश कर रहा है, ये कैसे जानेंगे। जैसे ये देखिए, 14 तारीख को, 14 फरवरी 2024 को मेष राशि का चंद्रमा है। अब कैसे जानेंगे कि मेष राशि में कितने बजे चंद्रमा आ रहा है, तो इसी के सामने जब यहाँ आगे आप बढ़ते आएंगे, ये देखिए, इसी के सामने यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो ये दिया है, मेष राशि ही दिन में 4 बजे चंद्रमा प्रवेश करेगा मेष राशि में, ठीक। अब इसी लाइन पर यदि आप ऐसे देखते चले जाएंगे तो कई चीज़ें आपको अच्छी अच्छी दिख जाएंगी। इसी लाइन में ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे चंद्रमा दिन में 3-4 बजे प्रवेश किया मेष राशि में, उसके आगे आप बढ़ें तो लिखा है बसंत पंचमी, ठीक, जो सरस्वती पूजा के नाम से जानी जाती है, बसंत पंचमी। फिर और आगे बढ़िए तक्षक पूजा, फिर और आगे बढ़िए बागेश्वरी जयंती यात्रा, और आगे बढ़िए तो यहाँ दिया रतिकाम महोत्सव, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चिन्ह बना है। यदि वीडियो आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रही हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन पर मैंने कोई भी पाबंद नहीं लगा रखा है, तो उसको आप ऑफलाइन करके बाद में देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, या फिर जहाँ बढ़िया इंटरनेट की सुविधा हो, अच्छा इंटरनेट चलता हो, अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, तब स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, और ये प्रत्येक लाइन में लगभग लगभग बना है, किसी किसी में शायद ना बना हो, ठीक। इस चिन्ह को आप याद कर लीजिए, और इस चिन्ह को आप याद करके यहाँ ढूंढिए कि ये वाला चिन्ह कहाँ पर बना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यही चिन्ह था वो जहाँ हम लोगों ने देखा था उसको, ये वाला चिन्ह यहाँ पर लिखा है सरस्वती पूजनम, अर्थात उस दिन सरस्वती पूजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कुछ भी चीज़ें दिखाना छूट जाता है। इस लाइन, मान लीजिए आप ये लाइन विचार कर रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताना था बता दिए, जैसे मेष राशि में चंद्रमा बता दिए, बसंत पंचमी, तक्षक पूजा, बागेश्वरी जयंती, रतिकाम महोत्सव, इतना चीज़ें बता दिए। इसी तरह अगली लाइन में भी कुछ चीज़ें बताएं, कुछ छूट गई, तीसरी लाइन में भी इसी तरह, अगली लाइन और अगली लाइन और आगे वाली में जो चीज़ें छूट जाती हैं तो वहाँ पर एक चिन्ह बना दिया जाता है। तो उसी चिन्ह को आप यहाँ पर ढूंढिए, अपने इस पंचांग के यहाँ पर कोने में देखिए, प्रत्येक पक्ष में ऐसा ही दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे, ये देखिए, तो वहाँ पर आगे की चीज़ें दिया रहेगा। यहाँ पर क्या दिया, सरस्वती पूजा, सौर फाल्गुन मास आरंभ। सौर मास क्या होता है, तो भैया सौर मास, चांद्र मास, नक्षत्र मास, इस प्रकार से 2-3 प्रकार के मास हो। सौर मास वो होता है जो सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कहते हैं, उसी को हम सौर मास कहते हैं, ठीक। फिर और आगे आप देखें तो पंचक निवृत्ति ही, उसी दिन पाचक भी समाप्त हो रहा है, ठीक। कितने बजे समाप्त हो रहा है, तो दिन में 4 बजे समाप्त हो रहा है, 33 घटी 54 पल पर, ठीक। और आगे देखेंगे तो दिया है मृत्यु बाण आरंभ, कितने बजे से समाप्त, कितने बजे से प्रारंभ हो रहा है मृत्यु बाण, रात में 7:39 से। और आगे देखेंगे तो उस दिन रवि योग है, इतनी चीज़ें दिया है। फिर एक दूसरा चिन्ह बना हुआ है, तो जहाँ तक कोई चिन्ह ना बना रहे वहाँ तक आप समझिए कि उसी दिन की चीज़ें अभी दिया है, ठीक। जब यहाँ पर देखिए ये आपका चिन्ह था, उसके बाद ये वाला चिन्ह मिल जाए तो आप वहाँ से छोड़ दीजिए कि आज के दिन का इतना ही चीज़ दिया है। ये सारी चीज़ें आप देखना लगभग लगभग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, जो शेष चीज़ें रहती हैं उसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा इस चैप्टर पर बात कर लेते हैं। ये लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया है ये वाला, तो ये क्या है, ये विवाह मुहूर्त है। यदि आप विवाह संबंधित चीज़ें नहीं जानते तो इसको छेड़खानी ना करिए। यदि जानना चाहते हैं कि विवाह कैसे देखें, विवाह की डेट कैसे निकालें, तो आप
यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गोपाल पंडित जी विवाह की डेट कैसे निकालें, पता चल जाएगा। ठीक, एक छोटी सी जानकारी और आपको शेयर करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ तक की चीज़ें हमने जान लिया था कि चंद्रमा मेष किसी राशि में परिवर्तन करते, तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक, उसके आगे क्या दिया है, तो यहाँ दिया सूर्योदय और सूर्य अस्त, सूर्य कितने बजे उदय हो रहे हैं, कितने बजे अस्त हो रहे हैं, यहाँ पर दिया। ठीक, आगे बढ़ें, यहाँ दिया औदयिक सूर्य स्पष्ट, अर्थात सूर्य भगवान किस राशि में चल रहे हैं। जैसे सूर्य भगवान 14 तारीख तक किस राशि में चल रहे थे, 13 तारीख तक, क्षमा चाहता हूँ, 13 तारीख तक वो चल रहे थे मकर राशि में, और मकर संक्रांति जो हुई थी वही वाली। ठीक, और 14 तारीख को किस में पहुँच गए, कुंभ राशि में, ये अर्थात शनिदेव के घर में। ठीक, इसके आगे बात करें तो यहाँ पर दिया क्रांति, दो प्रकार की क्रांति होती हैं, दक्षिण क्रांति और उत्तर क्रांति, दक्षिण और उत्तर क्रांति, ये किस काम में आती हैं, तो भैया इससे आपका सामान्य कोई लेना देना नहीं, ना आपके कोई काम आएगी। ये कहाँ काम आएगी, ये काम आती है कुंडली की गणित करते हुए, कुंडली की गणित करते हुए काम में आती है। अब भैया कुछ लोग कुंडली बना लेते होंगे और कह रहे हैं पंडित जी ये गणित में काम नहीं आती, तो कुंडली की गणित जो है 18 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 18 प्रकार से, क्योंकि मैं भी 2-3 प्रकार की गणित सीखा हूँ, जिसमें एक प्रकार में ये काम में आई है, दो प्रकार में नहीं आई। ठीक, और इसके बाद ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, तो ये वो होता है कुंडली में माइनस प्लस करते हैं देशांतर, वो है। ठीक, चंद्रास्त, चंद्रमा का अस्त होने का समय। आगे बढ़ें, मतलब चंद्रास्त स्टैंडर्ड टाइम है जो विश्व घड़ी के अनुसार, ये अपने गांव के अनुसार ना मिलाने लगिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया, यहाँ से ले करके एक मिनट, हाँ यहाँ से ले करके और यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बता दिया है। अब हम नीचे वाली चीज़ों को पकड़ते हैं, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिया है सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रहा, सूर्यादि ग्रह नहीं दिया है, भौमादि ग्रह, भौम मतलब मंगल, तो यहाँ पर मंगल से लेकर के ये देखिए मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु, यहाँ तक के ग्रहों का स्पष्टीकरण दिया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है। ठीक, ये तिथियाँ दिया है, तिथि के बाद दिन दिया है और उसके बाद फिर स्पष्टकरण सबका दिया है। इससे आप जान सकते हैं गोचर में वर्तमान में अभी कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है। जैसे हम बात करें चतुर्थी की, मंगलवार की बात कर रहे थे, तो मंगल देवता किस राशि में, मकर राशि में। जैसे यहाँ पर 9 लिखा है तो एक बढ़ा दीजिए आप, दसवीं राशि में। ठीक, बुध की बात करें, बुध भी दसवीं राशि मकर में है। गुरु की बात करें, गुरु मेष राशि में है। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ तक जो है धनु राशि में थे, 8 नंबर के आगे जो राशि होती है धनु, उसके बाद यहाँ से शुक्र जो है किस में चले गए, मकर राशि में ये भी चले गए। 1, 2, 3, 4, एक सूर्य भगवान, 5 ग्रह एक साथ एक ही राशि में होना बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ें, ये हो गया 10 नंबर संख्या, इसमें एक बढ़ा देंगे 11, मतलब कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 11 लिखा है, मतलब एक बढ़ा देंगे 12 मतलब मीन राशि में राहु चल रहे हैं। अब राहु जिस राशि में चलते हैं उसमें 6 बढ़ा दीजिए आप, केतु की संख्या निकल जाएगी, अर्थात मीन में चल रहे हैं तो 6 बढ़ाएंगे तो कन्या राशि में आ जाएंगे केतु। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ें। हाँ, आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें बता दें, अयनांश ये भी कुंडली में काम आता है, कुंडली की गणित में काम आता है। ठीक है, ये किस हिसाब से देता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देता है ग्रहों का स्पष्टीकरण, ये क्या होता है ग्रहों के स्पष्टीकरण यहाँ से यहाँ तक, और उसी के अनुसार ये वाली जो है कुंडली तैयार की जाती है। नीचे जो दी है ये वाली कुंडली, ये कुंडली जो है एक सप्ताह में 2 तैयार की जाती, एक तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, एक सामने देख रहे हैं और ये एक बगल में लिखी हुई है यहाँ पर, ये 15 दिन में 2 कुंडलियाँ पंचांग वाले तैयार करते हैं, और किस प्रकार से तैयार करते हैं क्या करते हैं इसके विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्टीकरण है ग्रहों का, एक हफ्ता में 2 बार किया जाता है। शुरुआत के 7 दिन जो पहले आपको बताया था उसमें था, शुरुआत के 7 दिन का स्पष्टीकरण इसमें होता है और लास्ट के 8 दिन का इसमें होता है, इस प्रकार से 15 दिन का ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ होता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए आपको इसमें बताते हैं ये जो बीच वाला है इसमें क्या लिखा रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें जानते हैं क्या लिखा रहता है, उसी पक्ष में यानी कि माघ शुक्ल पक्ष हम देख रहे हैं, तो इस पक्ष में
क्या क्या जानकारी, क्या विशेष मुहूर्त है उसके बारे में। जैसे ये देखिए, तिथि एक यानी प्रतिपदा, शनौ धनिष्ठा में भौम सूर्य युति ही, फिर ये तिथि द्वितीया, फिर तिथि तृतीया, इसी प्रकार से पंचमी तिथि, षष्ठी, फिर आगे मतलब प्रत्येक तिथि की कोई विशेषता होगी तो उसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया रहता है। ठीक, कोई विशेष मुहूर्त होगा जैसे कर्णवेध हो गया, विद्यारंभ हो गया, द्विरागमन, ये देखिए दिया, द्विरागमन हो गया, कोई चीज़ खरीदने का मुहूर्त हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर विशेष दिया रहता है। आगे बात करें, ये कौन सा नज़ारा है, ये वाला, इसको भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है ये उन लोगों के लिए बड़ा काम का है जो पंडित जी लोग विवाह करवाते हैं। क्या विवाह, ये जानते हैं क्या है, ये लग्न सारणी है, ये टोटल लग्न सारणी है। अब लग्न सारणी में लग्न कैसे देखते हैं पहले वो समझ लीजिए। लग्न सारणी में हम लोग लग्न देखते हैं, यहाँ से ये तिथि हो गई, क्षमा चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये तिथि और दिन यहाँ तक लिखा है, प्रतिपदा से लेकर के ये प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, इस प्रकार से यहाँ पूर्णिमा तक 15 तिथियाँ पूरा लिखी हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमको विवाह के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या फिर दुकान खोलने के लिए या लक्ष्मी पूजन करवाने के लिए किसी एक विशेष कार्य के लिए हमको लग्न देखना है कि ये काम पंडित जी कितने बजे से मुझे शुरू करना है, ये कितने बजे अच्छा मुहूर्त रहेगा। जहाँ समय निर्धारण की बात आएगी वहाँ पर हमको ये वाला चक्र अर्थात लग्न चक्र देखना पड़ता है। तो लग्न चक्र की बात करें, मान लीजिए हमको ये कौन सी है लग्न है, ये टोटल 12 लग्न आपकी लिखी हैं। मकर लग्न से शुरू हो रहा है, मकर कुंभ मीन, ये हमेशा मकर से ही नहीं शुरू होगा, धीरे धीरे ये धनु यहाँ आ जाएगी और मकर नीचे चल जाएगी, फिर वृश्चिक ऊपर आ जाएगी, सब नीचे चल जाएंगे, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लग्न रहेगी चतुर्थी तक, चतुर्थी के बाद यदि देखेंगे पंचमी से तो ये लग्न आगे हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से होता रहता है, ये आगे पीछे बढ़ती रहते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लग्न की कि कैसे समय देखें। मान लीजिए हम मेष लग्न की देख रहे हैं, किस तारीख की देख रहे हैं, हम एकादशी की देख रहे हैं, ये एकादशी हो गई। ठीक, एकादशी मेष लग्न, यहाँ से आप चले आइए सीधे यहाँ पर, और एकादशी के दिन मेष लग्न कितने बजे से कितने बजे तक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए आप, ये 10:37 तक आपकी मीन लग्न थी और 10:38 से मेष लग्न शुरू होकर के 12:33 तक मेष लग्न थी। और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेष लग्न जो है 10:37 तक मीन लग्न थी और 10:38 से मेष लग्न शुरू हो गई, 12:33 थी। एक लग्न लगभग 2 से 2.5 घंटे की ही रहती है, इस प्रकार से मतलब 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर एक लग्न समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार से 24 घंटा में 12 लग्न बीत जाती हैं। ठीक, अब विशेष चीज़ें इस पंचांग में कुछ देखने के लिए नहीं छूटा है, अभी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मूल नक्षत्र होता है उसके बारे में यहाँ थोड़ा दिया है कि इस पक्ष में कौन कौन से मूल हैं, तो ये दिया है। ठीक, मूल का समय यहाँ पर दिया है। ठीक, आगे बढ़ें, मूल के बाद यहाँ पंचक दिया है कि इतने बजे से इतने तारीख से इतने तिथि से इस दिन से पंचक लग रहा है, इतने तारीख को इतने बजे समाप्त हो रहा है। ठीक, पूछेंगे कि और यहाँ नीचे क्या दिया है, ये वाला, ये नीचे क्या दिया है, तो नीचे भैया वही दिया है जो यहाँ पर छूट गया था, जैसे कि है ये वाला, इस पक्ष में जो कुछ भी दिया रहता है उसका जो छूट जाता है उसको यहाँ पर दे देता है, कहाँ पर, यहाँ पर लास्ट में एकदम ये यहाँ पर। ठीक, ये पंचांग के अंदर देखी जाने वाली सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग लगभग सब चीज़ बता दिया। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनकी एक समस्या होगी, समस्या क्या होगी, समस्या भैया ये होगी कि आप फालतू में कमेंट करेंगे कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। समझ में तो तब आएगा जब आपको तिथि तिथि दिन नक्षत्र योग करण राशि इन सब का नाम पता होगा और नाम याद होगा, साथ में पंचांग देखने बनता होगा। आपसे जैसे कि पहले ही बताया कि पंचांग देखना नहीं बनता है, तो यूट्यूब पर सर्च करिए गोपाल पंडित जी, पंचांग कैसे देखें गोपाल पंडित जी, आपको जो वीडियो मिलेगा पंचांग सामने रख करके उसको देखना सीख लीजिए,
उसमें जैसे बताया गया कि ये तिथि है, ये नक्षत्र है, योग है, करण है, उसको आप लिख करके सारी तिथियों का नाम लिख लीजिए, तिथि याद कर लीजिए, नक्षत्रों का नाम लिख लीजिए, नक्षत्र याद कर लीजिए, योग लिख लीजिए, योग याद कर लीजिए, राशियों का नाम लिखिए, राशियों का नाम याद कर लीजिए, ग्रहों का नाम लिख करके उनको याद कर लीजिए, तब आपसे देखने बनने लगेगा। अब इतना समझाने के बाद भी किसी को यदि समझ में ना आए तो कृपया कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे वीडियो मिलती रहे उसके लिए आप कमेंट करिए कि आप कहाँ से हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में ना आया आप कमेंट करिए, वो आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए जो आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, राधे राधे।